प्यारे भक्तों, हिंदू धर्म में छठ पूजा को विशेष महत्व दिया गया है। छठ पूजा पर विशेष रूप से सूर्य देव और छठी मैया की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। ये 4 दिवसीय पूजा होती है, जिसमें सूर्य देव को अर्घ देना महत्वपूर्ण माना जाता है। छठ की पूजा में उगते सूर्य तथा डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस पूजा का पहला दिन नहाए खाए का माना जाता है, वहीं दूसरा दिन खरना का है। तीसरे दिन छठ की पूजा और शाम के समय सूर्य को अर्घ दिया जाता है, वहीं चौथे दिन सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ दिया जाता है और व्रत का पारण किया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार छठ की पूजा बेहद ही कठिन पूजा मानी जाती है। इस पूजा के दौरान 3 दिनों तक निर्जला व्रत रखा जाता है, जो बहुत ही मुश्किल है। इस पूजा में नदी के किनारे भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। छठ पूजा संतान प्राप्ति और संतान के सुखमय जीवन के लिए की जाती है। छठ पूजा व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से आरंभ होता है। आइए सूर्य भगवान के चरणों में ध्यान धरकर छठ पूजा की कथा का आनंद लेते हैं। बोलिए सूर्य भगवान की जय, छठी मैया की जय। नभ मंडल के स्वामी सूर्य देव को ध्याते हैं, हाँ देव को ध्याते हैं। छठ पूजा की आपको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नभ मंडल के स्वामी सूर्य देव को ध्याते हैं, हाँ देव को ध्याते हैं। छठ पूजा की आपको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्रद्धा से इस व्रत को भक्त मनाते हैं, हाँ लोग मनाते हैं। छठ पूजा की आपको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
जाते हैं, हाँ फिर वो जाते हैं। छठ पूजा की आपको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पूजा तब से शुरू हुई ऐसा बता।
बताते हैं, सभी ऐसा बताते हैं। छठ पूजा की आपको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय अदिति नंदन करते तेरा वंदन, जय जय अदिति नंदन करते तेरा वंदन। कथा सुनाते हैं।